नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिसंबर का महीना किस प्रकार का रहेगा, कौन कौन सी तारीखें हमारे लिए शुभ हैं, कौन कौन सी तारीखें अशुभ हैं, क्या क्या सावधानियां हमको रखनी हैं, इस बात की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के द्वादश स्थान में केतु चल रहा है और द्वादश स्थान का केतु चोरी भी करवा सकता है, धन का नुकसान भी करवा सकता है। लेकिन बृहस्पति आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, तो इस समय पर जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही सुंदर है ये महीना। अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। और इस समय पर अगर किसी को संतान की कामना है तो ये महीना संतान भी देने वाला है। संतान हो भी सकती है, संतान गर्भ में भी आ सकती है। इसके साथ भाग्य की वृद्धि बृहस्पति करेंगे, धर्म कार्य के अंदर प्रवृत्ति करेंगे, लाभ के रास्ते खोलेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। शनि आपके तृतीय स्थान के अंदर हैं और तृतीय स्थान के शनि तृतीय स्थान पराक्रम का होता है और अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो कोई पुरानी चली आ रही कोई भी परेशानी है उस पर विजय आप प्राप्त करेंगे। कहीं कोई अदालती मामला है तो उसमें विजय आपको हो सकती है। भाई बंधुओं के अंदर, मित्रों के अंदर अच्छा मेलजोल इस समय पर होगा। बिछड़े हुए भाई आपस में मिल सकते हैं, उनमें प्यार प्रेम हो सकता है। और ये शनि यहाँ पर बैठ कर के थोड़ा सा जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ इनके कुछ परिणाम विपरीत भी होते हैं। जैसे पंचम स्थान में इनकी दृष्टि संतान के लिए और विद्यार्थियों के लिए थोड़ी अड़चन पैदा करने वाले, आलस्य पैदा करने वाले हैं। अब चलते हैं दैनिक राशिफल की तरफ। तो जो एक तारीख है वो आपके लिए थोड़ी चिंताजनक रह सकती है। अकारण कोई ना कोई मन के अंदर भय उत्पन्न हो सकता है, कोई क्लेश हो सकता है। 2-3 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर है। 4-5-6 तारीख इसके अंदर अपने आप को संभाल करके रखना होगा, क्योंकि इसमें कोई विवाद हो सकता है, कोई झगड़ा फसाद हो सकता है, कोई वाणी के द्वारा कोई ऐसा शब्द आपके मुंह से निकल जाए जो आपके लिए शत्रुता उत्पन्न करने वाला बन सकता है। 7-8 तारीख ये आपके लिए सुंदर हैं, सुखद हैं। पति पत्नी, प्रेमी प्रेयसी और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 9-10 तारीख ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेंगी। एक तो इसके अंदर कहीं की कोई यात्रा ना करें और इस समय पर कोई भी नया कार्य भी आप प्रारंभ ना करें, उसमें सफलता होने में संदिग्धता रहेगी। 11, 12 और 13 तारीख ये आपके लिए भाग्य के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए 4 चांद लगाने वाली है। इस समय का किया गया कार्य भावी जीवन के अंदर बहुत लाभ देने वाला होगा। यात्रा भी इस समय पर संभव है और इस समय पर धार्मिक रुचि और धार्मिक कृत्य आप करेंगे। 14 तारीख ये आपके लिए राजकीय कामों के लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। इस समय पर कोई फॉर्म भरना है, कोई अप्रोच कहीं लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। राजकीय सेवाओं के अंदर आपको लाभ होंगे, राजनेताओं से, राज्याधिकारियों से आपको लाभ होंगे और इस समय पर पिता का भी पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 17-18 तारीख आकस्मिक लाभ के लिए
ये तारीख दो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, प्रचुर मात्रा में आपको लाभ होगा। लेकिन अब आपको 19-20 तारीख को सतर्क रहना होगा। 19-20 तारीख के अंदर कहीं भी कोई नुकसान, कोई धोखा, कोई दगा, कोई छल आपके साथ में हो सकता है, तो इस समय पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी ना करें, किसी को धन भी ना दें। 21, 22, 23, 24 तारीख ये घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सुंदर रहेंगी, सुखद रहेंगी, हर्ष उल्लास का माहौल रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, और किसी नव आगंतुक से आपके घर परिवार के अंदर खुशियां मनाई जाएंगी। 24-25 तारीख, 26 तारीख तक ये जो है आपके लिए विजय की देने वाली है। अच्छे मित्रों की प्राप्ति हो सकती है, नए मित्र बन सकते हैं, भाइयों से सुख की प्राप्ति होगी, और कहीं विजय की आपको जो है कामना हो तो वो विजय आपको मिल सकती है। 27-28 तारीख ये आपके लिए कुछ चिंताजनक रहेंगी, मन में क्लेश रहेगा, परिवार में क्लेश हो सकता है, माता का स्वास्थ्य जो है वो गिरावट को प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद 29-30 तारीख ये विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय का दिया गया कार्य, इस समय का किया गया कार्य आपको सफलता देने वाला होगा। लेकिन 31 तारीख को आपको सावधान रहना होगा, 31 तारीख में किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है। तो ये सब जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई। बाकी कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, ये इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और हमारी सेवाओं को लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।